गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान सुंदरकांड। सभी को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सुंदरकांड दोहा से पहले चौपाई का हिंदी अनुवाद हम प्रस्तुत करते हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। श्री हनुमान जी का और सीता मैया का संवाद का प्रसंग चल रहा है। सीता माता को विश्वास जब हो गया कि हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के ही भक्त हैं, उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं, तो के बाद उन्होंने उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए। तो चलिए सुनते हैं आगे का प्रसंग। पहले चौपाई का हिंदी अनुवाद, फिर सुंदरकांड दोहा भावार्थ सहित। धन्यवाद। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से भरे हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करे ऐसा। कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा, सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उसका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहू, रघुपति चरण हृदय धरितात मधुर फल खाहू। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ, हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। प्रभु श्री राम जी की अपार कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे जी। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले चौपाई और दोहा के साथ अगले मंगलवार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।